रामपुल बना चुके देख सीता राम सेतु तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। श्रीलंका जाने का जो रास्ता है वो जहाँ से मतलब श्रीलंका जाने के लिए राम जी ने पुल स्टार्ट किया था वो जगह देख के आएंगे। हाँ उस साइड में जाएंगे, अगर पुल हुआ तो मैं तो आगे सीधा ही चला जाऊंगा श्रीलंका। अरे ऊंटिया ले बहुत लटका दे। चलो वानर सेना लेके जा रहे हैं भाई, हमारे साथ में भी एक छोटी सी वानर सेना है। दो वानर है इसमें, दो पैर में और उसके बाद में फ्री टाइम में। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, इसके हाथों में खूब सारे कपड़े हैं, वो कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं इसके अंदर से, और कोई सिक्के वगैरह मिल जाए तो वो भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पच्चीस किलोमीटर रामेश्वरम से ये रास्ता है पूरा 25 किलोमीटर। आ गए धनुषकोडी जाते हैं तब रास्ते में आता है विभीषण मंदिर। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, कहते हैं कि राम से पहली बार मुलाकात की थी विभीषण जी ने। मंदिर दर्शन करके आगे दादी जी को तो कोई राजस्थानी मिल गए। सब जगह जाके आगे तिरुपति भी जाके तिरुपति जाके। ये तो वो स्थान है जहाँ विभीषण मिले थे राम जी से पहली बार, राम जी ने इनका अभिषेक किया था, राजा बना दिया था यहाँ विभीषण। आज से आप राजा हो। नाम पैर इसका क्या नाम है? मिट्टू। अरे यार जूनियर ले जा रहे जूनियर। अरे अरे हाथ लगा इंडियन को नहीं कोई ये खा गया है। हमें क्या पता कैसे हो जाएगा, काट क्यों गए ये काट गयो खून तो नहीं है नहीं यही थोड़ा सा है और अंदर की साइड है। अटकी थी क्या? अटकी कोने तो ठोल लो एंगो। नहीं नहीं वो लाल लाल पता नहीं है ये यही है ये आंगले की लाल है ये। अरे तोतो खा गयो, पैरोट ने काट दिया तोतो काट दियो खा गयो थोरी तोतो बच गए इतना ज्यादा नहीं पता था इसको। ये नहीं पता था कि वो कोई जीव है वो ऐसे करेगा, वैसे ऐसे पकड़ रही थी और मुझे लगता है ये काट लेती उसको, ये उसको पकड़ के मुंह में लेने वाली थी, उससे पहले उसने काट दिया है नहीं। अभी इसको क्या पता ये क्या है, ये तो हर चीज मुंह में लेती है, तो ये तोते को पकड़ के मुंह में लेने वाली थी, उससे पहले तोते ने इसको मुंह में ले लिया। बच गई अभी सही है, बच गई बेटा नहीं तो खा जा। विजयनगरम विशाखापट्टनम वैजाग विशाखापट्टनम से आए, आंध्रा से आए। थैंक यू। यहाँ पर क्या है कि समंदर के अंदर कई सारे पत्थर तैर रहे हैं जो घर भी बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग भी बना हुआ है। एक्चुअली ये जो एरिया है और जिस साइड में हम आगे जा रहे हैं ये धनुषकोडी का एरिया है जहाँ कभी पूरा का पूरा शहर था, गांव था, रेलवे स्टेशन था आकर यहाँ तक। लेकिन बताते हैं कि लगभग 70 साल पहले 1964 के आसपास में यहाँ पर क्या ज़बरदस्त तूफान उठा, समुद्री सुनामी उठी और एक ट्रेन सारी समंदर के अंदर चलती हुई अंदर चली गई, साथ ही पूरा गाँव सब खंडर बन गया। यहाँ नहीं है पर यहाँ से आ गया कभी, ये एरिया पूरा पहले आबाद था, यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग रहते थे, कुछ तो कंस्ट्रक्शन था यहाँ पर अंदर की साइड में जो पत्थर है। यानी कोनी हो तो भी खावे तो लगे पहले ही मन परेशान तो कर ही रखे हो पता नहीं। मैंने ऐसे स्थान बहुत ही जबरदस्त लगते हैं पर आपके समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? हाँ। क्या बोला बताओ? हिंदी बोल। हिंदी हिंदी नहीं है तो राजस्थानी में ना, मैंने ऐसे बोला लुगाई आ गई दीदी है जानते है इसका मतलब।
अगर आप देखो ना अभी हमें सब्सक्राइबर मिल गए, थैंक यू। जब मैं मदुरई में थी, मदुरई से आप वो करवा चौथ वाला दिखा रहे थे, उस समय मैं भी मदुरई में थी। क्या है, कुछ मछुआरे रहते हैं और ज्यादातर अभी जो लोग रहते हैं उनके घर इसी तरह से नारियल के पत्तों से ही बनाए हुए हैं। और ये हमारे पीछे जो है ये है पुराना रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन की दीवारें, जिस टाइम ट्रेन चलती थी उस टाइम का, ये तो ब्रिज जैसा लग रहा है। चलती ट्रेन, रात को ऐसे तूफान आया, सब लपेटे में ले लिया, पूरा धनुषकोडी गाँव, लोग जो सो रहा था वो वही रह गया, जो जाग रहा था वो भी वही रह गया, कुछ नहीं बचा, सारे लोग खत्म। अब राम जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और जो तैरने वाले पत्थर जिनसे पुल बनाया था वो भी यहाँ दर्शकों के लिए रखे हैं। हाथ लगाना है, सच में तैर रहा है एकदम। मंदिर भी एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वर्क करके बनाया हुआ है। ये पकड़ के लेके आते हो जिंदा को या मुर्दा को? समुद्र में, समुद्र में से जिंदा या मरने के बाद? जिंदा, लाइव लाइव। हां लाइव आर्कर, नमक फिशर में, माय हस्बैंड ला फिशरमैन, फिशरमैन है। हां फिशरमैन ना, அதிலிருந்து ये சங்கல இருந்து कट பண்ணி எடுக்கிறது। अच्छा, சங்க के पीछे वेजन काट के लग रहे हैं। अच्छा, हाउ मच पीपल इन धनुषकोडी नाउ? 2000 people now. And this side 100 house irukku, and this side 100 house irukku. 1964 mein full kadam. Full. Okay, new dusri jagah ud gaya. Padrada madrada mother la lenge. Lanka. Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Ye keh rahe jo side mein chale gaye the wo bach gaye the. Idhar no koi nahi bacha na. Idhar jo tha sab khatam. Idhar sab khatam hai da. Do kadal full close panni ये ओरिजिनल मोती है, ये बनी है, ये जो है ना ना क्लोज பண்ணி இருக்கோம், க்ளோஸ் உள்ள மச்சலி இருக்கும், अच्छा மச்சலியை எடுத்துட்டு முச்சால எடுக்கிறது। ये इस चीज के होते हैं जो ओरिजिनल मोती होते हैं ना, ये वाले मोती, इससे माला बनती है, ये बहुत महंगी मिलती है माला। यहाँ तो सब ओरिजिनल ओरिजिनल चीजें ऐसे होते हैं, मोती असली मोती इनको बोलते हैं, जो ये ऊपर से कोई जानवर होता है मछली की तरह कुछ, फिर इसके अंदर से ये उतारते हैं चिपके वजह से, ये मोती है। गजब है, नहीं देखी? हाँ, मतलब इसे अंदर दाना दाना सब है चिपेड़ा। ये मोती इसलिए है कि ऐसे अंगूठी बनवाओ, अंगूठी में एक एक मोती लगवा लो। तो मैं अपनी अंगूठी में ऐसे लगा सकता हूँ? हाँ। तो अभी दोस्तों अब हम लोग धनुषकोडी तो जाकर के आ गए, अब इससे आगे श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अर्चल पॉइंट। अर्चल पॉइंट, अभी हम लोग अर्चल पॉइंट जा रहे हैं। तो भी दोस्तों भारत के आखिरी पॉइंट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। इस पॉइंट का क्या नाम बताया आपने? अर्चल मुड़ई। अर्चल मुड़ई। और श्रीलंका कितना है यहाँ से? लंका 18-20 किलोमीटर। 18-20 किलोमीटर है। इससे आगे भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था वो रहा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अभी यहाँ दिख तो नहीं रहा है पुल वगैरह? दिखता नहीं अभी, पानी के अंदर है क्योंकि वो धनुषकोडी की तरह कभी जल स्तर के टाइम तो अंदर गया, वो
वो नीचे चला गया, अभी दिखता नहीं है लेकिन है थोड़ा थोड़ा, मैप में देखें तो थोड़ा थोड़ा पूरी दूरी में, सेटेलाइट में पूरा मैप दिखता है ऐसे। पर है तो सो दिखा नहीं बिचाल बिचाल है, अच्छा। और पुल है, पुल को ही है मतलब बैठे बिचाल बिचाल पानी में कटी दिखा है, कटी कौन दिखा ही है भगवान मना वो पुल है वो। हाँ यही है वो पुल, यहाँ से पानी आ गया बीच में, कहीं पानी नहीं है, कम पानी है कहीं पानी नहीं है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से 15-20 किलोमीटर के बाद है, 15-20 किलोमीटर। और यहाँ से उड़ करके हनुमान जी जो गए थे, ये भारत का आखिरी पॉइंट है, और यहाँ पर पूरे दिन इस तरह से पर्यटक आते रहते हैं, भीड़ लगी रहती है देखने के लिए। जोड़ो तो यहाँ है कि पुल लगातार रहना हो, कंकर पत्थर मिट्टी पास में आकर के इकट्ठी हो गई, तब इस तरह से चौड़ाई हो गई, कहीं पर अंदर चला गया मतलब ऊपर नीचे इस तरह से हो ही गया तो। अरे कहाँ से, पर ये ज्यादा गहरा ही नहीं है यहाँ पर। इंडिया श्रीलंका बॉर्डर, श्रीलंका विंड मिल दिख रहा, श्रीलंका दिखेगा इधर से, श्रीलंका विंड मिल ओनली, विंड मिल दिख रहा है, पंखे खूब सारे तनाख्या दिखा, जो शादी है पंखा दिखे नहीं बही माँ दिखा है, अच्छा वही दिखा है, हाँ वही श्रीलंका है, वो दिख रही है सामने दिख रही है वो रही, अच्छा वही है वही है, वो विंड मिल है यानी कि हवा से चलने वाले पंखे लाइट बनाते हैं, वो वहाँ पर लगे हुए हैं, उसके बाद श्रीलंका पहाड़ तो है नहीं, अगर पहाड़ होते तो दिख जाते यहाँ से, तो वहाँ पे इलाका समतल है, समतल है तो पंखे ऊपर उठे हुए हैं इसलिए वो दिखते हैं। चलो अच्छा है श्रीलंका देख लिया, देख लिया श्रीलंका। दादी की नज़र थोड़ी सी कमजोर है, ऐसी मछलियों से नाव भर भर के लेके आए हैं, दो मछुआरों की नाव है वो सामने दिख रही है, दिखाएगी मछलियाँ दिखाएगी, पूरा भर भर के लेके आए दोनों पे। हम लोग वहीं बैठे हैं जहाँ श्री राम जी की सेना ने, वानर सेना ने पुल बनवाया था, बहुत धूप बहुत पड़ती है, गर्मी है, लोग भी बहुत आते हैं देखने के लिए, वाटर मेलन खा रहे हैं। अब जो हम समुद्र की साइड में किनारे पर बीच की साइड में आ गए हैं, यहाँ पर क्या है एकदम इस तरह की सूखा रेगिस्तान है, थोड़ी बहुत घास फूस है बीच में, और ये मोटी मोटी रेत जैसे रेगिस्तान में होती है राजस्थान में, उससे थोड़ी मोटी है, बारीक नहीं है वो, बारीक है क्योंकि उसको तो काफ़ी टाइम हो गया ना वहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त हुए, इसमें नमक भी ज़्यादा है, खारी है रेत भी। कितना मस्त छोड़ा हुआ है, हम जबरदस्त लोकेशन पे आ गए, यहाँ पर किसी की नाव भी खड़ी है, नाव लेके चलेंगे, चलो यहाँ नाव खड़ी है किनारे पर, करना क्या है इसमें तो तेल तो जलता नहीं है, ऐसे पतवार पकड़नी पड़ेगी, यहाँ पर जो मछलियों के पकड़ने के लिए जाते हैं उनके पास भी जैसे ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है वैसे उनके पास भी लाइसेंस जैसा कुछ होता है। अब से पहले मैं सोच रही थी कोई भी मुँह उठाए और जिसको चलाना आए नाव वो जाओ, किसी की बोट है इसके अंदर खूब सारा ज्यादातर रस्सी जाल यही है सामान पड़ा है यहाँ पर। आगे 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 आंधी आगे आगे पैर ले, ये है नहीं तो खुद उड़ जाए, ध्यान आ गया तो चप्पल गई, अभी सिया की चप्पल पानी में चली गई थी ये बच गई, फिर ये करी मेरी चप्पल, हमने कहा जाने दे चप्पल को कोई बात नहीं, दूसरी लहर आई उसके साथ में चप्पल वापस आ गई। यहाँ पर अनेक समुद्री जीवों की डेड बॉडी पड़ी है किनारे पर, बांध बांध की पता भी नहीं, वो एक इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कांटों वाला भी था। ये घाट है जो बने हुए हैं रामेश्वरम मंदिर के आगे, वापस आ गए आज तो पूरी तरह से थक गए, यहाँ से आज तो नहीं जा पाएंगे, कल ही निकलेंगे। ये कह रहे यहाँ पर पानी पूरी खिला रहे हैं तो मुझे भी खिलाओ। उस दिन जोंक खाई थी ना जंगल में गया था तब, उसमें अब खुजली आ रही है, अजीब सा रेड रेड भी हो गया। अगर आप नए हैं तो सब जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू।